नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में विनायक जी की कहानी सुनाऊंगी। यदि आप कोई भी व्रत रखते हैं उसकी कथा सुनते हैं तो आपको साथ में विनायक जी की कहानी भी अवश्य सुननी चाहिए। आप सभी भली भांति जानते हैं कि गणेश जी के बिना हमारा कोई काम संपूर्ण नहीं होता है, तो किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले, कथा को करने से पहले आपको विनायक जी की कथा भी अवश्य करनी चाहिए। विनायक जी की मैं दो कथाएं लेकर आऊंगी। आज के इस वीडियो में आप विनायक जी की प्रथम कथा सुनिए। तो आइए हम सब मिलकर सुनते हैं हमारे विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी। उस बुढ़िया माई के पति, बेटा और बहू थे। वे लोग बहुत ही गरीब थे, बहुत निर्धन थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। बहुत ही मन श्रद्धा भक्ति से वह गणेश जी को प्रसन्न करने का हर संभव प्रयास करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और गणेश जी ने उस बुढ़िया माई से बोला कि मुझसे कुछ मांग, आज तू जो मांगेगी मैं वह तुझे दूंगा। तब बुढ़िया माई बोली कि मुझे कुछ भी मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले तो तू तेरे बेटे से पूछ ले। तब वह अपने बेटे से पूछने लगी। तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। फिर उसने अपनी बहू से पूछा तो बहू ने उससे कहा कि माई पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, तो उसने पड़ोसन से पूछ लिया। पड़ोसन बोली तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, तू अपने लिए कुछ मांग, अपने लिए दीदा घोड़ा अर्थात आंखें और घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज़ मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी पूरा हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी आए और माई से पूछने लगे कि माई सोचा कि तुझे क्या मांगना है, बोल तुझे क्या मांगना है। तो माई कहने लगी कि दीदा घोड़ा देवो सोने के कटोरे में, पोते को दूध पीता देखो अमर सुहाग देवो, निरोगी काया देवो सभी को सुख देवो। तब भगवान गणेश जी बोले माई तूने तो आज मुझे पूरा ठग ही लिया, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कि मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता। पर ठीक है, जैसा तूने मांगा माई वैसा ही होगा। और गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई के वैसा ही सब कुछ हो गया। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने माई को दिया वैसा ही सबको देना। बोलो श्री विनायक जी महाराज की जय। विनायक जी महाराज के लिए इस वीडियो पर भी एक लाइक ज़रूर बनता है। धन्यवाद।